हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गेमर किंग में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTA 5 पैक रिटेक्चर मोड के बारे में। तो अगर आपको ये मोड डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा, आपको उसको ओपन करना है तो आप इस वाली पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आइए, यहाँ पे देखिए GTA 5 पैक रिटेक्चर मोड फॉर एंड्रॉइड, और इसके नीचे आइए। मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स और कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे बता दिया है, और इसके नीचे आपको स्क्रीन शॉट्स भी दे दिया है। और इसके नीचे आइए, यहाँ पे आपको APK और डाटा मिल जाएगा, आप यहाँ से ये दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपना प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए जेड आर्चीवर, और ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जहाँ पे भी आपने गेम को डाउनलोड किया था वहाँ पे चले जाइए, और यहाँ पे सबसे पहले APK पे क्लिक कीजिए ओपन, और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद 7Z फाइल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर, और आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो जो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्टिंग होना स्टार्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस तरह का कंप्यूटर रॉकस्टार गेम जो GTA का फोल्डर मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिए, और यहाँ फाइल्स में जाइए, और यहाँ पे TXGB के फोल्डर में जाइए, और GTA 3, और आपको अपने GPU के हिसाब से ये तीनों को रीनेम करना है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे रीनेम करना है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, और ऐसे रीनेम पे जाइए, और अगर आपका एंड रहना है तो आपको कुछ भी रीनेम नहीं करना है। अगर आपका माली है तो आपको यहाँ से ETC कर देना है। अगर आपका पावर VR है तो आपको यहाँ से PVR कर देना है। तो मेरा एंड रहना है तो मैं कुछ भी रीनेम नहीं करूँगा। ऐसे आपको ये तीनों को रीनेम कर लेना है अपने GPU के हिसाब से। उसके बाद बैक चले जाइए, मेरा TXD के फोल्डर में जाइए, यहाँ पर भी आपको अपने GPU के हिसाब से ये तीनों को रीनेम कर लेना है। उसके बाद पूरा बैक चले जाइए, और ऐसे कंप्यूटर रॉकस्टार गेम जो GTA फोल्डर है इसको यहाँ से कट कीजिए। फिर से बैक जाइए एंड्रॉयड के फोल्डर में जाइए, और यहाँ पे डाटा, और इसमें आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देने के बाद आप अपना गेम को ओपन कीजिए। गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑफलाइन पे क्लिक करिए। और यहाँ से स्टार्ट गेम पे जाइए, न्यू गेम, और यहाँ से देखिए गेम स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।